योर पियोला फाइन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, द नाइन किटन्स। द नाइन किटन्स, द नाइन किटन्स एक चैप्टर है। ओके, किटन होता क्या है? किटन होता क्या है? किटन होता है एक कैट का बेबी। किटन होता है कैट का बेबी। यस, किटन होता है कैट का बेबी। तो अभी हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे। हम जानेंगे कुछ बेबीज के बारे में, मतलब किसी कुछ एनिमल्स के बेबीज के बारे में जानेंगे, ठीक है? डॉग का बेबी क्या होता है? डॉग का बेबी होता है पप्पी। डॉग का बेबी पप्पी। डॉग का बेबी क्या होता है? पप्पी। कैट का बेबी किटन। कैट का बेबी किटन। कैट का बेबी क्या होता है? किटन होता है। हॉर्स का बेबी क्या होता है? फॉल। हॉर्स का बेबी फॉल। हॉर्स का बेबी क्या होता है? फॉल। शीप का बेबी क्या होता है? लैम। शीप का बेबी क्या होता है? लैम। शीप का बेबी लैम। काउ का बेबी काफ। काउ का बेबी काफ। काउ का बेबी काफ। तो हमने अभी कुछ एनिमल्स के बेबीज के बारे में पढ़ा, जैसे डॉग पप्पी, कैट किटन, हॉर्स फोल, शीप लैम, काउ काफ। तो ये थे हमारे कुछ एनिमल्स के बेबीज। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर, कौन सा? द नाइन किटन। क्या पढ़ेंगे हम आज? द नाइन किटन, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिंकी हैज नाइन किटन्स। रिंकी के पास कितने किटन्स थे? नाइन। कितने थे किटन्स? नाइन किटन्स थे रिंकी के पास। दे आर नॉटी। और वो क्या थे? बहुत नॉटी थे। दे आर नॉटी। नॉटी मतलब बहुत शरारती थे वो किटन्स। दे आर ऑलवेज मूविंग अबाउट इन द होल हाउस। मतलब वो इधर से उधर घर में भागते रहते थे, इधर उधर घर में जाते रहते थे, ठीक है? शी इज टेकिंग देयर फोटोज टू सेंड टू ग्रैंडपा। और वो क्या करती थी? सबकी फोटो, सारे किटन्स की फोटोज लेती रहती थी। किसको भेजने के लिए? ग्रैंडपा के पास भेजने के लिए सारी फोटोज। ओके, अब जैकी इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। फर्स्ट किटन का नाम था जैकी। वो कहाँ सो रहा था? स्लीपिंग ऑन द सोफा। स्लीपिंग ऑन द सोफा। ऑन मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर। ऑन मतलब ऊपर, मतलब जैकी सोफे के ऊपर सो रहा था, है ना? और फर्स्ट किटन का नाम था जैकी। नाउ सेकंड किटन कौन है? पॉप्सी। पॉप्सी इज प्लेइंग विद द बॉल ऑफ वूल। पॉप्सी क्या कर रही थी? पॉप्सी सेकंड किटन का नाम है। वो वुलन बॉल के साथ खेल रही थी, मतलब जो ऊन का बॉल होता है ना, उसके साथ खेल रही थी। कौन? पॉप्सी। यस, ये थी सेकंड किटन। नाउ थर्ड किटन। थर्ड किटन का नाम था फ्लफी। फ्लफी इज चेजिंग अ माउस। फ्लफी क्या कर रहा था? फ्लफी कर रहा था चेज, मतलब माउस को पकड़ रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फ्लफी माउस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यस, फ्लफी था थर्ड किटन। फ्लफी कौन था? थर्ड किटन। नेक्स्ट, टॉमी इज सिटिंग अंडर द टेबल। टॉमी कहाँ सो रहा बैठा था? टॉमी बैठा था टेबल के नीचे। अंडर मतलब नीचे। अंडर मतलब नीचे। क्या कर रहा था टॉमी? टॉमी इज सिटिंग अंडर द टेबल। टॉमी इज सिटिंग अंडर द टेबल। ये कौन, कितने, मतलब कौन से नंबर का किटन था?
फोर्थ नंबर के टेन। हमने अभी तक कितने किटेंस के बारे में पढ़ा? जैकी, पॉप्सी, फ्लफी एंड टॉमी। अब हम पढ़ेंगे पिक्सी के बारे में। पिक्सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द फिश बाउल। पिक्सी कहाँ बैठी थी? नेक्स्ट टू द फिश बाउल। जो पिक्सी थी, पिक्सी फिश बाउल होता है ना जिसमें फिश होती है, उसके साइड में बैठी हुई थी। क्यों? शायद उसको फिश को खाना था, इसीलिए वो फिश बाउल के साइड में बैठी थी। यस, ये थी फिफ्थ नंबर की टेन। इसका नाम क्या था? पिक्सी। पिक्सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द फिश बाउल। पिक्सी फिश बाउल के नेक्स्ट में बैठी थी, मतलब साइड में बैठी थी। नेक्स्ट, टैमी इज एंटरिंग इन फ्रॉम द विंडो। अब टैमी क्या कर रहा था? टैमी विंडो से अंदर आ रहा था। टैमी विंडो से अंदर आ रहा था। टैमी कितने नंबर का किटन था? सिक्स नंबर किटन था। टैमी सिक्स नंबर किटन था। ओके, नाउ टिंकल। टिंकल इज जंपिंग ओवर द स्टूल। जो टिंकल थी वो स्टूल के ऊपर से जंप कर रही थी। टिंकल स्टूल के ऊपर से जंप कर रही थी। और ये कितने नंबर की किटन थी? सेवेंथ नंबर किटन। यस, टिंकल सेवेंथ नंबर किटन थी। नाउ रिम्पी। रिम्पी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द चेयर। रिम्पी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द चेयर, मतलब रिम्पी चेयर के पीछे खड़ी थी। कहाँ? चेयर के पीछे। यस, रिम्पी कितने नंबर की किटन थी? एट्थ नंबर किटन। यस, रिम्पी इज एट्थ नंबर किटन। नाउ बोबो। बोबो इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री। जो बोबो था वो कहाँ खेल रहा था? ट्री के सामने। इन फ्रंट ऑफ द ट्री मतलब ट्री के सामने बोबो खेल रहा था। और ये कितने नंबर का किटन था? ये था नाइन्थ नंबर किटन। हमने कितने किटन्स के बारे में पढ़ा? नाइन किटन्स। यस, तो हम देखेंगे। जैकी सोफे पे सो रहा था। पॉप्सी वुलन बॉल के साथ खेल रहा था। फ्लफी माउस को पकड़ रहा था। टॉमी टेबल के नीचे बैठा था। पिक्सी फिश बॉल के साइड में बैठी थी। और टैमी विंडो से अंदर आ रहा था। टिंकर स्टूल के ऊपर से कूद रहा था। और रिम्पी चेयर के पीछे बेस्ट खड़ी थी। और बोबो ट्री के सामने खेल रहा था। तो ये थे हमारे नाइन किटेंस। अब रिंकी लव्स हर नॉटी किटेंस। जो रिंकी थी वो अपने नॉटी मतलब शरारती किटेंस को बहुत प्यार करती थी। शी इज गोइंग टू कलेक्ट द ऑल एंड पुट देम इन द बास्केट। वो एक एक करके सब सारे किटन्स को कलेक्ट कर रही थी, मतलब उठा रही थी और बास्केट के अंदर डाल रही थी। तो ये थी आज हमारी द नाइन किटन्स की स्टोरी। तो आपको क्या करना है? अब आपको ये चैप्टर रीड करना है। ये चैप्टर आपको रीड करके मुझे वीडियो बनाकर सेंड करनी है। रीडिंग मैंने बोला है ना रेगुलरली करनी है, तो आज ये चैप्टर आपको भी रीडिंग करनी है। ठीक है, कल ये वीडियो आपके पास जाएगी तो आपको ये चैप्टर रीड करना है और मुझे सेंड करना है। और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखनी है 10। ठीक है बच्चों, बाय बाय।